अल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ही अल्लाह आदिल को बेल मिल जाए, मैसूर जेल में है वो धारा उसकी जो लगी है 376 ईरानी लड़के ने लगाई है। तो रमज़ान शुरू हो रहा है, मैंने दिल से आपको आदिल माफ़ कर दिया है, मेरा दिल रो रहा है लेकिन मैंने आपको माफ़ कर दिया है आदिल, आपको बेल मिले अल्लाह करे। वेलकम टू माई चैनल लाजवाब। फाइनली राखी सावंत को आदिल खान का एहसास हो गया। राखी सावंत का कहना है कि मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि रमज़ान का मुबारक महीना आने से पहले पहले आदिल खान को बेल मिल जाए, मैं आदिल खान के बगैर रोजे कैसे रखूंगी और मेरी ख्वाहिश है कि मैं रमज़ान के पूरे रोजे आदिल खान के साथ रखूँ और पूरा रमज़ान मैं आदिल खान के साथ गुजारना चाहती हूँ। राखी सावंत का कहना है अब मुझे ये पता चल गया है कि उस ईरानी लड़की ने आदिल खान पर सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। राखी सावंत का कहना है कि हाँ मैं मानती हूँ आज आदिल खान जिस मुश्किल में है वो सिर्फ मेरी वजह से है, अगर मैं आदिल खान के ऊपर केसेस ना करती तो इस ईरानी लड़की की हिम्मत ना होती आदिल खान के ऊपर झूठे इल्जाम लगाने की। उस ईरानी लड़की ने मौके का गलत फायदा उठाया है और राखी सावंत का क्या कहना है वो आगे चल के पूरी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चले आप ये वीडियो देखें। आदिल को बेल मिल जाए, मैसूर जेल में है वो धारा उसकी जो लगी है 376 ईरानी लड़के ने लगाई है। तो रमज़ान शुरू हो रहा है, मैंने दिल से आपको आदिल माफ़ कर दिया है, मेरा दिल रो रहा है लेकिन मैंने आपको माफ़ कर दिया है आदिल, आपको बेल मिले अल्लाह करे। कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में अकेले रह जाऊंगी, कभी सोचा नहीं था कि मैं सब कुछ अकेले ही मुझे करना पड़ेगा, अकेले कहाँ, अल्लाह है ना मेरे साथ, खुदा है ना।